दोस्तों वीवो Z1X की इंडिया में लॉन्च कर दिया है और ये फ़ोन आपको अच्छे खासा फीचर्स दे रहा है, जैसे कि स्नैपड्रैगन 712 की प्रोसेसर और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, उसके साथ साथ 6.3 इंच के एक सुपर अमोल डिस्प्ले और उसके साथ साथ 22.5 वाट के एक फास्ट चार्ज सपोर्ट। अगर हम वीवो Z1X की अवेलेबल कलर के बारे में बात करें तो ये दो कलर में अवेलेबल है, जैसे कि फैंटम ब्लू और फ्यूजन ब्लू। वो सिर्फ ब्लू कलर पे ही डिपेंडेंट है। और डिज़ाइन के बारे में बात करें तो इसका बैक साइड अभी भी प्लास्टिक के बना हुआ है आ रहा है और यहाँ पे बैक साइड पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा और नीचे की तरफ से वीवो की लिखा हुआ लोगो। और फ़ोन की बॉटम साइड पे आ जाए तो यहाँ पे आपको ऑडियो आउटपुट स्पीकर मिल जाएगा, लाउड स्पीकर, और उसके साथ साथ माइक्रो USB पोर्ट और 3.5 mm ऑडियो जैक। अब वीवो Z1X की कैमरा के बारे में बात करते हैं, इसका जो रियर कैमरा है यहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा के सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। पहला है 48 MP की मेन कैमरा जिसका अपर्चर है f1.79 और इस पर इस्तेमाल हुआ सेंसर है एक्जेमर RS CMOS की सेंसर, और उसके साथ साथ 8 MP के एक वाइड एंगल कैमरा और 2 MP का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा भी आपको मिल जाएगा। और फ्रंट साइड पर सेल्फी के लिए वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर है 32 MP की एक कैमरा जो कि अपर्चर प्रेजेंट कर रहा है f2.0 की। बात करें वीवो Z1X की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, इस पे जो चिपसेट है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 की, जिसकी वजह से आप गेमिंग के लिए बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस होगा। और प्रोसेसर है ऑक्टाकोर प्रोसेसर जो कि कायरो 360 पे काम कर रहा है और इसके जो आर्किटेक्चर है 64-bit की और ग्राफिक्स के लिए एंड्रॉइड 6.6 की सपोर्ट। उसके साथ साथ इस फोन की रैम है 6 GB और इंटरनल स्टोरेज है 64 GB। की बैटरी है, USB माइक्रो USB पोर्ट के जरिए चार्ज होता है और खास बात यह है कि 22.5 वाट की चार्जिंग सपोर्ट दे रहा है जिसके वजह से आप बहुत ही जल्द चार्ज कर सकते हो। और इस फोन की प्राइस के बारे में बात करें तो यह है 16,990 की। और कमेंट करके आप लोगों को बताएं क्या इस फोन के लिए इतना प्राइस रेंज सही था या फिर थोड़ा ऊपर नीचे होने वाला जरूरी था।